नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं छावनी अनाज मंडी में और छावनी अनाज मंडी में लाल चने की जो आवक है वो लगातार बढ़ रही है। अब चूंकि लाल चना आने का मौसम है, क्या कुछ दाम आज छावनी अनाज मंडी में लाल चने के रहे हैं ये जानने के लिए हमारे साथ व्यापारी हैं सुरेश जी, उनके पास सीधे चलते हैं। काफी अनुभव है उन्हें इस पूरे लाल चने के व्यापार का, सीधे सुरेश जी के पास चलेंगे। सुरेश जी, आज क्या कुछ दाम रहे लाल चने के छावनी अनाज मंडी में? आज आवक थी 10-12 हजार और 5500 तक 5600 तक बिका, आगे भी उम्मीद है 150 रुपए कम में माल मिल सकता है। आवक अधिक है, पैसे का प्रबंध करना पड़ता है। किस तरह की डिमांड लाल चने में हम लोग देख रहे हैं? यहाँ लोकल में अभी डिमांड नहीं है, सरकारी दाल बिक रही है 60 रुपया किलो, तो बाजार में अभी मंदी है, बाजार की दाल का उठाव नहीं है। सस्ते में मिल रही है तो कौन खरीदेगा व्यापार? अच्छा, सरकारी खरीदी भी चालू हो गई, कितना असर सरकारी खरीदी का हमको देखा? सरकारी में कोई बाउन में को दे, कुछ भाव बढ़े तो समर्थन मूल्य पे दे आता है। तो अभी आने में क्या स्थिति लग रही है? आने और कम भाव में आ रहा है। अच्छा, 47 रुपया में आ रहा है विदेश, तो विदेश से कम भाव में आ रहा है तो निश्चित तौर पर यहाँ आपको नुकसान झेलना पड़ रहा होगा। हाँ, नुकसान क्या, डिमांड कम हो जा। अच्छा, कौन कौन सी क्वालिटी का चना आता है हमारे पास? अपने यहाँ आता है मौसमी चना, आता है कटीला चना, आता है देसी चना, आता है और ये छोले सिक्के बिकता है वो चना आता है। मौसम का कितना असर पड़ा आपकी बार चने के उत्पादन? उत्पादन कम रहा, कम बोनी करी, गेहूं भी कम पैदा हुआ। निश्चित तौर पर तो व्यापारी थे सुरेश जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अब की बार उत्पादन पर सीधा असर जो है चने का पड़ा है, यही बढ़ना नहीं है। सुरेश जी बोल रहे हैं कि दाम जो है मिलेगा। अच्छा, बढ़ना नहीं है, स्पष्ट तौर पर ये तय हो गया कि अब की बार बढ़ना नहीं है। अरे, शासन के पास भारी स्टॉक है। अच्छा, इस कारण से नहीं बढ़ना, शासन 60 में दाल बेच रही है, बढ़ने को क्या कहूं। अच्छा, और आवक किस तरह की रहेगी आने वाले समय में? आवक अच्छी हो, पैदा का काम है करो, बाजार में लाने की जरूरत के अनुसार घर रख लेने बीज के लिए काम, बाकी तो बेच ले किसी भाव पैसे की जरूरत है, डीजल खाद सोयाबीन की बवनी होगी तो खर्चा लगे, ब्याह शादी है। निश्चित तौर पर वरिष्ठ व्यापारी हैं जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि चने के जो दाम है वो आने वाले समय में बढ़ने की बिल्कुल संभावना नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं किसान और व्यापारी दोनों जो है जिन पर खासा असर पड़ता दिखाई देगा। इंदौर के छावनी अनाज मंडी से नमन मिट्टी।